हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप है क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि 24 जुलाई से आप लोग का क्लास नाइन्थ का एग्जामिनेशन स्टार्ट है, जो कि फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन होगा। तो उसी से संबंधित यहां पे मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश का पेपर लेकर के आ चुका हूँ। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन आंसर को देखते हैं, क्योंकि इस अगर आप लोग अगर इस क्वेश्चन को पढ़ करके जाएंगे तो आप लोग का बहुत सारा क्वेश्चन टकराने वाला है। तो यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन पेपर स्टार्ट है। सेक्शन ए में आप लोग को 50 ऑब्जेक्टिव को करेक्ट करना है और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे 60। 60 में से आपको 50 का आंसर करना है। पहला नंबर यहाँ पे आप लोग जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो लिखा हुआ है धर्म योद्धा इज ए स्टोरी ऑफ यंग, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गर्ल। अगला है फोर होम इज लाइफ हेल अकॉर्डिंग टू पद्माज मदर, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एन अनमैरिड गर्ल। अगला है पद्माज फादर केयर्ड मोर फॉर, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मनी। अगला है हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर डिड पद्मा हैव, तो ये हो जाएगा आपका नन, यानी कि पद्मा को जो है पद्मा अकेली संतान थी, ना उसको भाई था ना बहन थी। तो यहाँ पे आप लोग को जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है सब आप लोग के एग्जामिनेशन में रहेगा, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगला है ययाति हैज़ बीन रिटन बाय, तो ये हो जाएगा सी, राजगोपालाचारी। अगला यहाँ पर है हु शोड ग्रेट रिस्पेक्ट टू हिज एंसेस्टर, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शुक्राचार्य। अगला है इन द एंड यायाति रिटायर्ड टू द, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फॉरेस्ट। अगला है पुरु वाज द डैश सन ऑफ यायाति, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फिफ्थ। अगला है हु डज SMS स्टैंड फॉर, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है शॉर्ट सर्विस सेंटर इज सीन इन द, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रिसीवर हैंड सेट। यहाँ पे शॉर्ट सर्विस सेंटर जो है आप लोग को रिसीवर हैंड सेट में यहाँ पे मिलेगा। आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा ईमेल इज ए स्टोर एंड फॉरवर्डेड, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कम्युनिकेशन हो जाएगा। अगला है बाई एयर पॉल्यूशन ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम, तो ये हो जाएगा यहाँ पे देखिए पॉल्यूशन के कारण कौन सा होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टीवी। अगला है विच कंट्री इज मोर लाइकली टू कॉज फ्लड इन इंडिया, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। नेपाल के कारण भारत में सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है। अगला है टू मेनी पीपल टू ए फ्यू ट्रीज हैज़ बीन रिटन बाय, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मोती निशानी। अगला है ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ ऑलवेज बीन इन, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फ्लक्स। अगला है मोइरा कर एंड जॉन बेनेट हैज़ रिटेन, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इको एंड नर्सिस। अगला है व्हाट वाज द कलर ऑफ ग्रैंड मदर्स स्कार्फ, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पर्पल। अगला हम लोग देखेंगे तो द शॉपिंग बैग ऑफ ग्रैंड मदर इज मेड, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जूट। अगला है द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस हैज़ बीन हैज़ सीन कंपोज्ड बाय, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जॉन मिल्टन। अगला है व्हेन डिड मिल्टन लॉस हिज आई साइट, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सॉरी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अर्ली एज। अगला है राइट द ट्रू स्टेटमेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैंस टूथ इज नॉट सो कीन। यहाँ पे अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग का विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज़ बीन रिपीटेड इन द पोएम ब्लो ब्लो थो विंटर विंड मोर देन ट्वाइस, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सीन। अगला यहाँ पर कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस द वी वीप टू सी यू डैश अवे सून, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अर्ली राइजिंग। अगला हम लोग देखेंगे द डेफोडिल्स आर ग्रोन इन, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमेरिका। अगला हम लोग देखेंगे सोनल मानसिंह मेट एंड सीरियस एक्सीडेंट ऑन 14 अगस्त 1974, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला है संतोष ज्वाइन, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महारानी कॉलेज। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है कबीर वाजे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वेबर। अगला है कबीर इज फेमस वर्क्स आर, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सबादे एंड सखी। अगला हम लोग देखेंगे तो द नैरेटर ऑफ ए स्टोरी द आइज आर नॉट हेयर इज, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्लाइंड। अगला है हु गॉट इन टू द कंपार्टमेंट एट रोहना स्टेशन, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए गर्ल। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है कि हु व्हाट डज SMS स्टैंड फॉर, तो ये हो जाएगा शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। अगला है हाउ डू यू सेंड योर मैसेज टू योर फ्रेंड, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थ्रू मैसेंजर। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है अवेयर वाज द
शहनाई प्लेट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि शाह चैम्बर। अगला है नर्सिस वाज ए, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि यंग एंड हैंडसम हैंडसम। अगला है हु सोव्ड ग्रेट रिस्पेक्ट टू हिज एंसेस्टर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी शुक्राचार्य। अगला है फॉर होम इज लाइफ हेल अकॉर्डिंग टू द पद्माज मदर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एन अनमैरिड गर्ल। अगला हम लोग देखेंगे तो द हिंदूज प्रीस्ट एंड मौलवीज डैश कबीर, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे जो हो जाएगा यहाँ पे हिंदूज प्रेस्ट एंड मौलवी हो जाएगा हेटेड, है ना, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है इसमत चुगताई वाज कॉल्ड बाय हर निकनेम, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मुन्नी। अगला है शॉपिंग बैग ऑफ द ग्रैंड मदर इज मेड ऑफ, तो हो जाएगा जूट। अगला है इसमत मैरिज वाज फिक्स्ड व्हेन सी वाज इन क्लास, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नाइन्थ। अगला चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, तो इसका हो जाएगा द टीचर टेल्स द स्टोरी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि द स्टोरी इज टोल्ड बाय द टीचर। अगला हम लोग देखेंगे तो द चिल्ड्रेन आर मेकिंग एन वॉइस, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एन वॉइस इज बींग मेड बाय द चिल्ड्रेन। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है ही प्लेड क्रिकेट, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी क्रिकेट वॉज प्लेड बाय हिम। अगला यहाँ पर है चूज द करेक्ट वर्ब्स फ्रॉम द सोल्जर्स डैश ओबे दियर कमांडर्स, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मस्ट। अगला है द सन ऑलवेज डैश इन द ईस्ट, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राइजेस। अगला है सी डैश हियर सिंस 2015, तो ये हो जाएगा हैज बीन लिविंग यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला है चूज द सुटेबल प्रीपोजिशन आई फील हर हैंड्स डैश माई हैंड्स, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऑन माई हैंड्स। अगला है आई विल कम डैश संडे, तो ये हो जाएगा ऑन संडे। अगला है ही किल्स द टाइगर डैश ए गन, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सॉरी इसका जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बाय ए गन। अगला हम लोग देखेंगे तो राइट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पे इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैरिज, ये हो जाएगा सोसाइटी, ऑप्शन नंबर बी इसका हो गया 52 का, ऑप्शन नंबर सी ब्यूटी, ये आप लोग का यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। अगला है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, तो ही सेज आई एम गोइंग टू पटना, तो इसका हो जाएगा ही सेज दैट ही इज गोइंग टू पटना। अगला है द गर्ल सेड आई रोट ए लेटर यस्टरडे, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि द गर्ल सेड दैट सी हैड रिटन ए लेटर द प्रीवियस डे। अगला यहाँ पर है आप लोग का ही सेड आई वॉन्ट ए न्यू बुक, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ही सेड दैट ही वॉन्टेड ए न्यू बुक। अगला है यहाँ पर है चूज द मोस्ट सुटेबल इंग्लिश ट्रांसलेशन, अगला है तैरना एक अच्छा व्यायाम है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि टू स्विम इज ए गुड एक्सरसाइज। अगला है यहाँ पर सीमा अभी खाना पका रही है, तो सीमा इज कुकिंग नाउ यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, तो कैन आई हेल्प यू। अगला हम लोग देखेंगे तो नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री है, तो नरेंद्र मोदी इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अगला है तुम्हें माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, तो यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, तो यहाँ पे हो गया आप लोग के लिए ये पूरा 60 ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया, इसमें से आप लोग को 50 का ही आंसर करना है और ये एक प्रैक्टिस सेट है, ओरिजिनल पेपर आप लोग को 1 से 2 दिन में मिलने वाला है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।